नेहरू युवा केंद्र जयपुर युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज जयपुर में नेशनल वाटर मिशन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से युवा गांवों में जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करेंगे। इस अवसर पर जल संरक्षण पर पोस्टर विमोचन किया गया और शपथ दिलाई गई। बारे में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें इस कार्यशाला में ये बताया गया कि किस तरह से जल के जो संसाधन है वो सीमित हैं और अत्यधिक दोहन से ये स्थितियां बहुत ही खराब हो रही है। तो आने वाली संतति के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए अपन इसको किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आने वाली पीढ़ियों को जल जल की महत्ता समझ में आए, उनके लिए जल उपलब्ध रहे। आने वाले समय में जो भी स्थितियां बन रही हैं उसमें ज़्यादातर ब्लॉक्स ड्राई बनते जा रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है। तो इस तरह से हमें जल का संरक्षण करके और गाँव में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। नेहरू युवा केंद्र की जो टीम है और इनके जो वॉलंटियर्स है वो गाँव में सरकारी स्कूल, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के साथ साथ ही जल संचयन के क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसी फसलें बोने के लिए उनको प्रेरित करें। नेहरू युवा केंद्र जयपुर ने नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और हम पानी की हर बूंद को कैसे बचाएं और उसका उपयोग कैसे हम हमारे जीवन में कर सकते हैं, इसके लिए जन जागृति करना है। तो इसके लिए 50 गांव में हम दल बना करके इसके बारे में अलग अलग जन जागृति कार्यक्रम आगे 31 मार्च तक इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।